कुछ देर पहले यही मौके पर हमारे सहयोगी आर्यन आनंद जब उन्होंने हालात का जायजा लिया। बीपीएससी तैयारी 3 के छात्र जो हैं वो सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर। आज उन्होंने बीपीएससी ऑफिस घेराव करने की जो ऐलान थी वो कर रखा था और इसके साथ अब देखिए उन्हें पुलिस खदेड़ रही है। दरअसल ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया जाए, क्योंकि एक बच्चे के कई रिजल्ट आ जाते हैं, इससे कई जो पद की रिक्तियां हैं वो रह जाती है। और अब देखिए मांग करने आए बच्चों के ऊपर जो लाठियां हैं वो पुलिस ने पहले ही बरपाई है और इनके जो शिक्षक नेता हैं उनको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है। और अब देखिए पुलिस जो इन अभ्यर्थियों को किस तरीके से पीछे ढकेल रही है। बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या मांग है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हुआ बीपीएससी में, हम लोगों का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को दे दिया गया है, उसको वापस लिया जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, डोमिसाइल नीति लागू हो। और देखिए बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे भाग रहे हैं। हम लोग को लाठी चार्ज किया जा रहा है सर, यहाँ पे मारा गया है सर प्रशासन के द्वारा। सर हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग है सर, रिजल्ट से पहले काउंसिलिंग का मांग है सर। हर बार फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, हम लोग बाहर हो जा रहे हैं सर, इसी को लेकर हम लोग को लाठी चार्ज किया जा रहा है सर। पहुंच नहीं पाए? नहीं सर, हम लोग को नहीं पहुंचने दिया गया है सर। देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और जो रिजल्ट है उससे पहले काउंसिलिंग की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। और आज जब बीपीएससी का दफ्तर को घेरने पहुंचे थे उससे पहले पुलिस ने लाठी चार्ज की है और अब जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उन्हें पुलिस पीछे की ओर खदेड़ रही है। और ये तमाम तस्वीर इस वक्त राजधानी पटना के बेली रोड का है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज पटना। तो राजधानी पटना बिहार की राजधानी और वहीं पर बेली रोड जिस पर बीपीएससी का दफ्तर है उसी दफ्तर के घेराव के लिए ये बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो पहुंचे थे और यहीं पर इन पर लाठी चार्ज हुआ है। दरअसल इनकी मांग ये कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ये लागू करे सरकार। बार बार सरकार की तरफ से इनके साथ धोखा किया जा रहा है, साथ ही भर्तियों में डोमिसाइल पॉलिसी है उसे लागू करने की ये मांग कर रहे हैं। और इन्हीं अपनी तमाम मांगों को लेकर शिक्षकों की तरफ से आज इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। मौके पर बड़ी संख्या में ये शिक्षक पहुंच गए। पुलिस ने पहले इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो आखिरकार पुलिस को यहां पर लाठियां भाजनी पड़ी, जोरदार लाठी चार्ज करना पड़ा और इसकी चपेट में आकर कई शिक्षक बताया जा रहा है घायल भी हो गए हैं। अभी का अपडेट क्या है सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से अभी क्या अपडेट मिल रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को कैसे पुलिस ने लाठियां भांजी इन शिक्षकों पर, कितने घायल हुए हैं, कहां उन्हें भर्ती कराया गया है, अपडेट क्या है पूरा इस समय प्रकाश? देखिए ये जो भर्ती शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं ये लगातार अपनी मांग को लेकर के पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं कि वो बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे और इसी के तहत पहले से ही ये लोग जमा हो रहे थे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इस इलाके में वीवीआईपी इलाका है तो पुलिस ने लाठी चार्ज की जिसमें कई जो वहाँ अभ्यर्थी हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है कि उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाए, क्योंकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो लाठी चार्ज किया गया वहां से कई स्टूडेंट भाग गए हैं जो अभ्यर्थी हैं। इनकी तरफ से पहले ये आह्वान किया गया था कि बीपीएससी दफ्तर का घेराव करेंगे, पुलिस की तरफ से पहले यहाँ पर चौकसी नहीं बरती गई क्या? बिल्कुल, ये पहले से ही जबकि इन्हें आने ही नहीं देना चाहिए था, कायदे से अगर देखा जाए तो पुलिस को जानकारी थी इस बात की और सभी जगह इन लोगों ने खबर भी दी थी कि आज प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और बीपीएससी के अधिकारियों को अंदर नहीं जाने देंगे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन बावजूद इसके ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे और बाद में पुलिस ने लाठियां भांजी है और फिर भीड़ को तितर बितर किया गया है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आसपास भी अभी भी डटे हुए हैं ताकि मौका मिलेगा तो फिर से वो लोग पहुंच करके अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक भर्ती के ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी दफ्तर जो बिहार की राजधानी पटना में वहां पर पहुंचे थे घेराव करने के लिए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें फिलहाल तितर बितर कर दिया।